भोजपुर के बहियारा में बड़ा हादसा हुआ। यहां सेल्फी के चक्कर में 5 लड़कियां सोन नदी में डूब गई। नदी के तट पर नहा रही घर की दूसरी महिलाओं ने जब शोर मचाया तो स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे। तब तक काफी देर हो चुकी थी और पांचों नदी में डूब चुकी थी। हादसे के बाद सोन तट पर अफरा तफरी मची। महिलाओं की चीख पुकार के बाद सोन तट का माहौल गमगीन हो उठा। बताया जा रहा है कि चांदी बाजार में दद्दन राय का परिवार रहता है। वहां की घर की महिलाएं जितिया पर्व को लेकर शनिवार की शाम सोन में नहाने गई थी। पर्व को लेकर घर आई ये लड़कियां भी नदी के पथलवा घाट गई थी। घर की महिलाएं स्नान कर रही थी, तभी पांचों लड़कियां नदी में मस्ती करते हुए सेल्फी लेने लगी। उसी क्रम में अचानक नदी के अंदर गड्ढे में एक लड़की जा गिरी। उसे डूबते देख बाकी चारों उसे बचाने आगे आई, लेकिन सभी डूब गई। जो लड़कियां नदी में डूबी हैं, उनके नाम हैं अंजलि कुमारी, सुमन कुमारी, चंद्रावती कुमारी, निशा कुमारी और अनीता कुमारी। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंधाधुंध बालू खनन के कारण इस तरह की घटना हुई। खनन के कारण नदी में गहरे गड्ढे हो गए हैं। जुगुतिया के पर्व में आने के लिए माँ के साथ कितने लोग थे? 10 आदमी। एक ही परिवार के या अलग अलग? पांचों दो परिवार के। एक हमारी लड़की थी और एक सलाह की लड़की थी और तीन हमारे बगल के चितरंजन भाई के दो लड़की थी या वो देवेंद्र के एक लड़की। अच्छा, किसी को पता चल पाया कि? किसी को नहीं पता चला है। कितनी घटना घटी है? लगभग 5 बजे से पहले। तो नहीं दे पाया था? जी नहीं। तो टीम आई है एनडीआरएफ एसडीआरएफ? अभी तक कोई नहीं आया। पांचों को डूबते देख महिलाओं ने शोर मचाया। सूचना मिलने पर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोर भी नदी में उतरे, तब पांचों नदी में डूब चुकी थी। वहीं घटनास्थल पर मौजूद चांदी थाना के एएसआई ने बताया कि शाम होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता। जिसे कि पता चला ना कि यहाँ जो है मेरे नया थाना बन रहा है, उसके पूर्व साइड में लोग अथी करने के लिए, जीवतिया करने के लिए सब औरतें आई है। वहीं पर जो है बच्चा साथे आया है, उसमें 2-3 गो लड़की के डूबने का पता चला। तो हम लोग आनंद फानन में माने आए। पहले हमारा गश्ती वाला गाड़ी पहले आ गया था, इसके बाद सूचना मिला तो हम लोग बड़ा बाबू जो साथे आए। तो कितने आए तो अभी तक करीब 5 आदमी डूबे हैं। किसी का शव नहीं मिला? शव अभी तक नहीं मिला, अंधेरा हो गया। हाँ, तत्काल दिया गया था। डीएम साहब को भी कहा गया था, इसलिए कि एनडीआरएस जो है उन्हीं के जिम्मे रहता है, तो बोले कि हम सूचना दिए हैं लेकिन अंधेरा होने के कारण से मैंने वो नहीं अभी जा सकता है, सवेरे जाएगा। फिलहाल 3 युवतियों का शव बरामद कर लिया गया है। भोजपुर से TV9 के लिए विशाल कुमार की रिपोर्ट।